अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ विंड। तो विंड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जो वर्ड है एयर और विंड, इसमें क्या डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का उर्दू मानी है हवा। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एयर मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल जब तक स्टेडी फॉर्म में होंगे, यानी कि जब तक ये मोशन में नहीं होंगे, तो इसके लिए हम एयर का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल मोशन होना स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि हरकत में आ जाते हैं, तो फिर इस एयर मॉलिक्यूल के लिए हम विंड का वर्ड जो है ये यूज करते हैं। क्योंकि डिफिनेशन में भी हमने कहा है कि व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड, जब एयर मोशन स्टार्ट कर लेती है तो इसको हम कहते हैं विंड। विंड जो है ये प्लांट लाइफ को डायरेक्टली भी इफेक्ट करती है, जिसको हम मैकेनिकल इफेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करती है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट का क्या मतलब है? देखो, जब कभी कभार तेज हवा आती है, तेज विंड आती है, जिसको हम स्टॉर्म का नाम भी देते हैं, यानी कि तूफानी हवा, तो वो क्या करती है, वो प्लांट के जो ब्रांचेस है उसको ब्रेकअप कर लेती है, प्लांट के जो ट्वीग है उसको ब्रेकअप कर लेती है, और कभी कभार कंप्लीट प्लांट जो है उसको उखाड़ लेती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट आर मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ विंड ऑन प्लांट लाइफ। और इनडायरेक्ट इफेक्ट आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये नोट कर ले, विंड वेलोसिटी जो है ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट जो है उसको भी इफेक्ट करती हैं। यहाँ पर ये नोट कर ले कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर जो है एयर में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो यहां पर ये एयर मॉलिक्यूल है। तो कंसीडर कर ले कि ये एयर मॉलिक्यूल जो है, इसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो 30 है। अब ये जो प्लांट है, इससे जो ट्रांसपायरेशन होगी वो ज्यादा होगी। तो जब इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, तो इसके नतीजे में ये प्लांट जो है ये साइल से ज्यादा वाटर को एब्जर्व करेगी रूट के थ्रू। अब आप कंसीडर कर ले कि ये जो एयर है, इसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो 70 है। तो इस दौरान इस प्लांट से जो ट्रांसपायरेशन होगी वो कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एयर जो है इसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो जब इस प्लांट से ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी, तो फिर ये प्लांट जो है ये कम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। आप लोग कंसीडर कर ले कि ये जो एयर है ये सैचुरेटेड एयर है। सैचुरेटेड एयर का मतलब कि इसमें 100% वाटर वेपर है। तो इस दौरान ये जो प्लांट है, इससे जो ट्रांसपायरेशन होगी वो नेग्लेजिबल होगी, नेग्लेजिबल। और जब ट्रांसपायरेशन नेग्लेजिबल होगी इस प्लांट से, तो ये प्लांट जो वाटर को एब्जर्ब करेगी साइल से, इस दौरान वो भी हम नेग्लेजिबल कंसीडर करेंगे। अब आते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट पर, कि विंड जो है ये किस तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगेन हमारे साथ ही एक प्लांट है, अब यहाँ पर ये जो एयर है इसमें 70% वाटर वेपर है, और यहां पर भी
यार जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें जो वेपर की परसेंटेज है वो 30 है। तो यहाँ पर वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो 70 है, तो इस प्लांट से जो ट्रांसपायरेशन होगी वो कम होगी, और ये प्लांट फिर जो वाटर एब्जर्व करेगी वो कम एब्जर्व करेगी। अब यहाँ से विंड जो है वो आ गए, तो वो विंड क्या करेगी, वो इस एयर को हटा देगी यहाँ से और एरिया में लेके चली जाएगी, और इस विंड को यहाँ लेके आएगी जिसमें 30% वाटर वेपर है। तो इस दौरान ये जो प्लांट है इससे ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आप जो एयर है इसमें वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो 30 है, और जब यहाँ पर ट्रांसपायरेशन की रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये जो प्लांट है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जर्व करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि विंड जो है, विंड वेलासिटी, ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को भी इफेक्ट करती है। आप लोगों का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर ऑलमोस्ट ऑलवेज विंड की जो वेलासिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहां पर जो प्लांट होते हैं उसे ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होती है, और जब उसे ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी तो फिर वो प्लांट ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जर्व करेंगे। इसलिए हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर बारिशें ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जो प्लांट होते हैं उसे ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है विंड का वो ये है कि जो सीड एंड फ्रूट डिस्पर्शन है इसमें भी विंड जो है ये रोल प्ले करती है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक एरिया है या पर कोई प्लांट है, अब ये प्लांट जो है इससे फॉर एग्जाम्पल सीड जो है वो यहाँ पर गिर चुके हैं, अब इस पर विंड आ गई तो कुछ सीड जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे, कुछ जो है वो यहाँ पर चले जाएंगे, कुछ इस तरह यानी कि ये डिस्पर्स हो जाएंगे विंड की वजह से, और यहाँ पर जो सीड चला गया ये भी जर्मिनेट हो जाएगा टू द पेरेंट प्लांट, ये भी जर्मिनेट हो जाएगा, ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इस तरह हम कहते हैं कि विंड जो है ये सीड एंड फ्रूट डिस्पर्शन जो है इसमें भी रोल प्ले करती है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्लांट की जो स्पीशीज होती है उसकी स्प्रेड में विंड जो ये रोल प्ले करती है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, इवन इसको हम इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, तो ये सायला एरोजन भी करती हैं। सायल एरोजन का क्या मतलब है, यानी कि जब सायल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो इसको हम कहते हैं सायल एरोजन। तो विंड जो है ये सायल एरोजन को भी कास करती है, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है तो यहाँ पर सायल पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, अब यहाँ से विंड आ गए तो इस विंड ने ये सायल पार्टिकल को यहाँ से यहाँ अपने साथ ले गई, तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर इस सायल पार्टिकल में जो न्यूट्रिएंट है न्यूट्रिएंट वो लॉस हो जाते हैं, और इसको फिर हम कहते हैं सायल एरोजन के, ये जो सायल पार्टिकल थे ये विंड की वजह से यहाँ तक ट्रांसफर हो गए, तो इसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन। तो विंड जो ये सॉइल एरोजन को भी कास करती हैं। तो ये थी विंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।